हमेशा जब भी आप स्कूल जाते थे हमेशा एक क्लिक होता था, क्लिक, यू नो व्हाट्स अ क्लिक, क्लब्स। एक होता था म्यूजिक एंड सिनेमा वाले क्लब जहाँ पे सारे के सारे बच्चे मिलते थे और IMDb Top 10 मूवीज डिस्कस करते थे, टॉप रेटेड IMDb मूवीज। ओह या आई सॉ दैट मूवी, या ओ अब से मैं एनवर्ड नहीं बोलने वाला, बाय द वे गाइस, मैंने जेंगो अनचेंड देखी है, अब से मैं एनवर्ड नहीं बोलने वाला हूँ, ओके? प्लीज तुम भी मत बोलो, मैंने जेंगो अनचेंड देख ली है, तुम लोग मेरे सामने एनवर्ड मत बोलो, बहुत कॉन्टेक्स्ट है ब्रो, मेरे सामने एनवर्ड मत बोलो आप। फिर आते थे हमारे फुटबॉल टीम, स्कूल की स्कूल टीम, फुटबॉल क्लब जितने भी होते थे। फक, आई एम टू रिटार्डेड, ओके, आई के नॉट फॉर्म कोहेरेंट सेंटेंसेस, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। एक क्लब होता था, वो होते थे वो फुटबॉल की टीम के बच्चे सारे के सारे। सर आपको पता है ये? हाँ हाँ सर, हाँ ये लड़ाई हुई थी हमारी कल परसों। हाँ सर, आप सर इस मैच में खिला दो मुझे सर। सर नेक्स्ट मैच में मैं खेल सकता हूँ? हाँ सर, सर मैं खेल सकता हूँ नेक्स्ट मैच में? ठीक है सर। सर प्रैक्टिस में फिर आता था मेरा क्लब। आपको पता है मेरा क्लब क्या था? कंप्यूटर लैब में पॉन ढूंढने वाला क्लब। हम लोग कंप्यूटर लैब में बैठते थे, एक से एक फोल्डर। पॉन ढूंढने के बाद आपको पता है हमारी शक्ल कैसे होती थी? हमारा कंप्यूटर पीरियड लगता था, हर चार बच्चों को एक एक कंप्यूटर पकड़ाया जाता था, मतलब चार बंदों के ग्रुप्स बनते थे और उनके वो बनते थे कि हर एक कंप्यूटर पे चार लोग बैठेंगे। मैं और मेरे दोस्त इन्फिल्ट्रेट करते थे हर ग्रुप को, जिससे कि हम हर कंप्यूटर की हर एक फोल्डर को देख सकें। हमें पॉन देखनी नहीं होती थी, हमारे को पॉन ढूंढनी होती थी। हमारे दिमाग में तब नेशनल ट्रेजर का थीम बज रहा होता था। इन दोज डेज हमारे दिमाग में बस एक चीज थी, स्कूल में पॉन ढूंढनी है, देखनी नहीं है, देखनी नहीं है भाई। हम भाई सुनो, हम लोग लीचड़ नहीं है, ठीक है? हमें पॉन देखना नहीं है, हमें पॉन ढूंढनी है, ये डिफरेंस था, ठीक है? मैं बहुत बारी ना सोचता हूं भाई, ये जो मेरे दोस्त थे मुकुल, कार्तिके, भप्पा, सारे साथ में बैठ के भाई पॉन ढूंढते थे भाई कंप्यूटर लैब में। और वो सोचते सोचते ना मुझे लगता था कि भाई यादें ऐसे आ जाती हैं भाई कभी कभार ना। बैठता हूं मैं कभी कभार तो लगता है भाई कि कहाँ गए भाई वो दिन। दैट वॉज माई समर ऑफ 69। तो इसी बात पे हो जाए भाई। हाँ मैं था 8वीं में, मेरे साथ थे मेरे चार दोस्त, मुकुल, कार्तिक के भप्पा और मैं। हम लोग देखते थे सिर्फ कंप्यूटर लैब में पॉन मिल जाए किसी फोल्डर में। और अब जब कार्तिक के चला गया, मुकुल इज नाउ अरेस्टेड, भप्पा की गर्लफ्रेंड है, एंड आई एम जस्ट एजिंग टू द शिट। दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। देखनी मुझे कंप्यूटर लैब में पॉन। ओ ये, ओ ये।